हाल ही में आया जीएसटी का जन्मदिन। जीएसटी को हुआ पूरा एक साल और हैप्पी बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट, कई सामानों पर जीएसटी रेट्स में कमी की गई है। धंधा पानी पर आज बात जीएसटी की, और साथ ही जानेंगे जीएसटी क्या है ये उनके लिए जिनको याद आ जाती है अपनी मैथ्स ट्यूशन जब भी वो जीएसटी के बारे में सुनते हैं। जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक में बड़ा फैसला किया और सेंट्री नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया। अब तक इस पर 12% जीएसटी लगता था। इसके साथ कई सामानों पर जीएसटी रेट्स में कमी की गई है और अब सिर्फ 35 उत्पाद ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक 28% के टैक्स स्लैब में आते हैं। एक साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो इस स्लैब में 226 उत्पाद थे। जीएसटी के दायरे में 1300 से अधिक उत्पादों और 500 से अधिक सेवाओं को लाया गया। इन्हें 4 टैक्स स्लैब्स में बांटा गया। जान लेते हैं जीएसटी के बारे में और इसके लागू होने की पूरी कहानी के बारे में। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर है। ये केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले लगाया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और तीसरा उस कारोबार पर जो 2 राज्यों के बीच होगा तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूला जाता है। इसे केंद्रीय सरकार वसूल करती है और दोनों राज्यों में बांट देती है। अब बात जीएसटी की हिस्ट्री की। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो इसे पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था और आज ये दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में लागू है। भारत में इसकी गंभीर कोशिश 2003 में हुई। साल 2007 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की घोषणा की और एम्पावर्ड कमेटी बनाई। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया। तब कुछ लोगों ने इसका तीखा विरोध किया था। 2014 तक जीएसटी बिल पर सहमति नहीं बन पाई और बिल लैप्स हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी पर नए सिरे से प्रयास किया और इस तरह से जीएसटी साकार हुआ। तो ये थी कहानी जीएसटी की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुमिरन आपसे लेती हूँ इजाजत। बाय।